आईफोन में वॉइस मेल कैसे सेट करें, आईफोन में वॉइस मेल कैसे बंद करें। या दोस्तों, अगर आप जो अपने आईफोन में वॉइस मेल को ऑन कर दिए हो तो उसको आप उसको ऑफ कैसे कर सकते हो, या फिर आपका जो है ऑफ है मेल, ठीक है ना, वॉइस मेल, तो आप उसको ऑन कैसे कर सकते हो, आज की इस वीडियो में बताऊँगा। कहने का मतलब ये दोस्तों, वॉइस मेल से रिलेटेड पूरा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। ये मेरे पास आईफोन है दोस्तों, और इस पर अगर कोई पर्सन जो है मेरे को कॉल करता है, यानी कि मेरा जो फ़ोन है आईफोन, इसी नंबर पे मेरा सिम लगा हुआ है, और उसी नंबर पे कोई फ़ोन करता है, मेरे दोस्त, फैमिली मेम्बर जो भी है मेरे को, तो उनका जो कॉल है वो मेरे आईफोन पे यहाँ पे बताता है कि कॉल आ रहा है करके। अब अगर मैं जो है कॉल यहाँ पे रिसीव नहीं कर पाता हूँ, तो होता क्या है, एक कॉलिंग का एक टाइम रहता है कि इतना मिनट तक कॉल जो है चल जो लोगों को जाता है। मान लो मेरे दोस्त लोग मेरे को कॉल करते हैं, तो समथिंग एक मिनट तक जो है कॉल, या फिर 30 सेकेंड तक कॉल जो है जाता है, रिंग बजता है, उसके बाद जो है ऑटोमेटिक जो है रिंग बजते रहता है। अगर कॉल नहीं उठाते हैं हम, रिसीव नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिक जो कॉल है वो कट हो जाता है। लेकिन होता क्या है, अगर आप जो लाइव मेल जो है, जो वॉइस मेल है उसको ऑन कर दोगे, तो आपके फ्रेंड फैमिली लोग, जो लोग आपको कॉल करेंगे और उनका जो कॉल है, आप जो है एक मिनट तक जो उनका टाइम रहता है, अगर कॉल नहीं उठाओगे तो कट हो जाता है, है ना। तो वो अगर एक मिनट तक आप जो है कॉल को नहीं उठाते हो, तो उनके में क्या होता है, ऑटोमेटिक जो है कॉल उठ जाता है, ठीक है, रिसीव हो जाता है, और आपके तरफ से तो कोई आवाज़ नहीं आता, क्योंकि आप अपने आईफोन में कॉल को रिसीव नहीं किए रहते हो। वो लाइव वॉइस मेल में सेट हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। तो होता क्या है, वो लोग आपको जो है कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद जो है अगर आप कॉल को रिसीव नहीं करते हो टाइमिंग के अंदर में, तो जो कॉल है वो रिसीव हो जाता है, टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो लोग जो भी आप बात करते हैं, जैसे कि आपको मैसेज जो भी बोल रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड हो जाता है, और वही जो है आपको यहाँ पे सेंड होके रिसीव वाले ऑप्शन पे दिखाई देगा वॉइस मेल। जैसे कि यहाँ पे मैं अपना फ़ोन ऐप है उसको ओपन करता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखेंगे वॉइस मेल करके दिया हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी लोगों का जो भी है यहाँ पे वॉइस मेल यहाँ पे रिसीव हुआ है। इसने जो है इतना टाइम मेरे को कॉल किया था, और यहाँ पे इसका जो वॉइस मेल है वो जो है आप देख सकते हो 0052 सेकेंड है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी इस तरीके से है। तो इन्होंने जो है मान लो मेरे को जो भी वॉइस बोला होगा वो सब यहाँ पे रिकॉर्डेड रहता है, उसको मैं यहाँ पे प्ले करके सुन सकता हूँ। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पे, तो जो इसने जो है कॉल के टाइम मेरे को कॉल किया था, तो वहाँ पे मैं जो है कॉल को रिसीव नहीं कर पाया था, तो वॉइस मेल में सेट हो गया। तो यहाँ पे जो भी उसने बोला है वो मेरे को वॉइस मेल के थ्रू आ चुका है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से रहता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये रहता है तब आप उस यहाँ से सुन सकते हो। तो ये दोस्तों इमरजेंसी के लिए काम आता है, जैसे कि मान लो आप जो है कहीं पे बाहर गए हो और आप कॉल रिसीव नहीं कर पाते हो अपने दोस्त का, या फिर घर वालों का, मेन तो घर वालों का रहता है, क्योंकि घर वाले लोग जो है फ़ोन करके आपसे पूछते रहते हैं कहाँ है, कितना टाइम आएगा, ऐसा करके, या फिर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है वो आपको बताना चाहते हैं कि घर जो है 10 बजे तक खुला रहेगा, ऐसा टाइप से, ठीक है ना। तो आप जो कॉल रिसीव नहीं कर पाते हो, तो वो जो है वॉइस मेल सेंड कर देंगे, और बोल के बोल देंगे कि ये बात था जो मैंने यहाँ पे वॉइस मेल के थ्रू सेंड कर दिया, इसको आप सुन सकते हो बाद में, ठीक है, ये काम आता है। तो ये वाला जो सेटिंग है उसको ऑन ऑफ कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ये ऑन रहता है तो एक मुसीबत ये भी रहता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पे वॉइस मेल जो है मेरा ऑन है, तो होता क्या है, अब दोस्त लोग या फिर फैमिली वाले लोग, घर वाले लोग फ़ोन करते हैं मेरे को, और टाइमिंग रहता है 30 से 1 मिनट के अंदर जो है कॉल अगर हम रिसीव नहीं कर पाते तो कॉल कट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है जब आप जो है वॉइस मेल को ऑन करके रखते हो, तो एक मिनट तक वेट करते हैं जो भी पर्सन कॉल लगाता है, जैसे घर वाले लगा रहे हैं फ़ोन, ठीक है, तो एक मिनट तक वो लोग वेट करेंगे। अब एक मिनट के अंदर मैं कॉल को रिसीव नहीं कर पाऊंगा तो ऑटोमेटिक उठ जाएगा। उसके बाद उन लोग को क्या लगता है कि कॉल जो है उसने उठा दिया है करके, यानी कि मैंने उठा दिया है कॉल को, फिर वो लोग बोलना चालू करते हैं कि क्या कर रहा है, कैसे है, क्या है, ठीक है। अब इधर मेरे को पता थोड़ी ना कि मैं कॉल रिसीव कर दिया हूँ करके, यहाँ पर ऑटोमेटिक हो गया है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि फ़ोन उठाने के बाद कुछ बात नहीं करता, चुपचाप रहता है। दोस्त लोग भी सेम इस तरीके से मेरे को बोलते हैं कि तू फ़ोन को रिसीव कर लेता है, उठा लेता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं, हम लोग हेलो 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 बोल के थक जाते हैं ऐसा करके। लेकिन उनको कौन समझाया कि आईफोन में हमने जो है जो वॉइस मेल है उसको ऑन करके रखा है, इस वजह से ऐसा होता है करके, ठीक है। तो अगर आप इसको ऑन करना चाहते हो तो कैसे करते हैं, ऑफ करना चाहते हो तो कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको जो दोस्तों अपने आईफोन में सेटिंग ऐप ओपन कर लेना रहेगा। सेटिंग ऐप जब ओपन कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे आना है, नीचे आपको यहाँ पे जो है दोस्तों आपको मिल जाएगा ऐप्स का ऑप्शन,
ये वाला, इस पर क्लिक कर देना है। और जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये मैंने जो आईफोन को अपडेट कर लिया है, तो नए अपडेट के बाद जो है आपको जो ऐप वगैरह है वो यहाँ पे ऐप से करके एक फोल्डर की तरह बना दिया गया है। इसके अंदर आपको सभी ऐप देखने को मिल जाएगा। पहले क्या होता था, यहाँ पे सेटिंग ऐप के अंदर ही आपको नीचे साइड आना रहता था, सभी ऐप आपको देखने को मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ऐप के अंदर आपको ऐप को ढूंढ लेना है, फ़ोन ऐप, क्योंकि फ़ोन ऐप के अंदर हम सेटिंग करने वाले हैं, तो फ़ोन ऐप को आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं फ़ोन ऐप कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फ़ोन ऐप, ये रहा फ़ोन ऐप पे आपको आ जा रहे हैं। और फ़ोन के ऐप के अंदर आपको आने के बाद यहाँ पे काफ़ी तरीके का सेटिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, नीचे में एक ऑप्शन आएगा लाइव वॉइस मेल, ठीक है, ये आ चुका है और ये हमारा ऑन है, ठीक है। इसको आप ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए ये ऑफ़ हो गया। अब जो है ऑफ़ हो गया वॉइस मेल, तो होगा क्या, अगर कोई भी मेरे फ्रेंड फैमिली मेम्बर जो भी लोग मेरे को फ़ोन करते हैं और मैं जो है 30 से 1 मिनट तक जो कॉल रहेगा उसको रिसीव नहीं कर पाऊँगा, तो कॉल जो है ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, ठीक है। वॉइस मेल ऑटोमेटिक ऑन नहीं होगा, कट हो जाएगा कॉल जो है। और ये अगर ऑन रहेगा, मान लो यहाँ से हम क्लिक करके ऑन कर देंगे, तो होगा क्या, 30 से लेके 1 मिनट तक जो है कॉल हमको आएगा, रिसीव करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाएगा, और नहीं कर पाते हैं एक मिनट तक अपना आईफोन में जो कॉल आया हुआ है उसको रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो ऑटोमेटिक कॉल वहाँ पर रिसीव कर लिया ऐसा मतलब पता चलेगा उनको, लेकिन आपका आवाज़ उनके पास नहीं जाएगा, बस वो लोग बोलेंगे हेलो हेलो करके, तो वो जो वॉइस रहेगा जो भी बोलेंगे वो सब आपको यहाँ पे फ़ोन ऐप के अंदर, यहाँ पे वॉइस मेल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट आपने नेम से सेव करके रखा होगा तो कॉन्टैक्ट नेम सेव करके यहाँ पर बताया जाएगा, अगर अननोन नंबर रहेगा तो अननोन नंबर, उसको आप प्ले करके सुन सकते हो उसने क्या बोला था। यहाँ पर देखिए इस तरीके से नीचे में स्क्रिप्ट जो आता है ट्रांसक्रिप्ट वो भी रहता है, ठीक है, क्या बोला है इसके अंदर वॉइस के अंदर करके, बाकी ऐसे प्ले करके भी आप सुन सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है अपने आईफोन में वॉइस मेल है उसको सेट कर सकते हो, बंद कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।